हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। एक तरफ जहां पूरे दुनिया का ध्यान इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट पे है, वहीं दूसरी तरफ रशिया और चाइना इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए अपने बायलैटरल रिलेशन को और भी अच्छा कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ इसी डेवलपमेंट के बारे में बात करें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये डेवलपमेंट बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रशिया और भारत के संबंध अच्छे हैं और बहुत हद तक आज भी भारत का डिफेंस रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं पे अगर हम बात करें भारत और चाइना के बारे में, तो साल 2013 से भारत और चाइना के बीच में संबंध खराब हुए हैं। जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच में संबंध बीते कुछ सालों में खराब हुए हैं, अगर उसी चीज को हम सिर्फ अज्यूम करते हैं ये भारत चाइना और रशिया है, तो भारत और चाइना के बीच में संबंध खराब है। वहीं पे बीते कुछ सालों में चाइना और रशिया के बीच में संबंध अच्छे हुए हैं। किसी भी तरीके से अगर भारत और चाइना का रिलेशन एक हद के बाद खराब हो जाता है, तो वो मोमेंट काफी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए भी, ये देखना कि एग्जैक्टली रशिया का पोजीशन क्या रहता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि रशिया और चाइना के रिलेशन क्या हमेशा से इतने अच्छे थे, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब से प्रेसिडेंट शी चाइना को संभाले हैं और पुतिन रशिया को संभाले हैं, तब से दोनों लीडर्स एक चीज पे ऑलमोस्ट अग्री किए हैं कि किसी भी तरीके से अगर रशिया और चाइना अपने कुछ मुद्दों को अगर साइड नहीं करेगा, तो इनका सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से यूएसए और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज अपनी मनमानी करते हैं, ये बात जग जाहिर है। अक्टूबर 1, 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फॉर्मेशन होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ ज़ेडोंग। तो अगर वहां से आप साल 2024 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो रशिया और चाइना के बीच में 75 साल हो चुके हैं इनके बायलैटरल रिलेशन का। तो इसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए व्लादिमीर पुतिन चाइना को कांग्रेचुलेशन कहते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से बीते कुछ सालों में चाइना और रशिया के बीच में संबंध अच्छे हुए हैं। संबंध जब अच्छे होते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि देशों के बीच में बढ़ चढ़कर व्यापार हो रहे हैं। जिस भी देश के बीच में व्यापार होना बंद हो जाते हैं, तो वहां पे आप एक चीज नोटिस करना कि रिलेशन ऑटोमेटिकली खराब होने भी शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे लिए एक हिडन मैसेज है एज एन इंडियन, वो ये है कि अगली बार अगर किसी भी तरीके से व्लादिमीर पुतिन भारत के बारे में या हमारे पीएम के बारे में कुछ अच्छा कहेंगे, तो एक बात का आप ध्यान रखना कि वो सारे शब्द सिर्फ हमारे लिए ही कहे गए हैं, या तो वैसे ही कुछ मिलते जुलते शब्द और भी किसी के लिए कहा गया है। तो इससे पहले कि हम अधिक इमोशनल हो जाएं, हमें फटाफट चीजों को रिकॉल करना चाहिए और उसकी मदद से हम ये समझेंगे कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही कॉमन होते हैं। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ, तब से लगातार वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस का ये अटेम्प्ट था कि किसी भी तरीके से रशियन इकोनॉमी को तोड़ा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ थोड़े बहुत सेटबैक तो रशियन इकोनॉमी को जरूर हुई, लेकिन उसके बाद रशियन इकोनॉमी हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि पहले से कहीं ज्यादा मच स्ट्रॉन्गर वे में निकल के आया। अगर आप इस मैप को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से रशिया और चाइना यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का जो सैंक्शंस है उसको वो कंप्लीट तरीके से खत्म करना चाहता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा मैप है जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रशिया और चाइना डायरेक्टली नेचुरल गैस का पाइपलाइंस बिछा रहे हैं, और एक नहीं बहुत सारे बिछा रहे हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन इसको कंप्लीट तरीके से सीक्रेट रखा गया है। और ना कि सिर्फ रशिया और चाइना के बीच में ये नेचुरल गैस का पाइपलाइन है, बल्कि वो ऑयल पाइपलाइन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से दो देशों के बीच में अगर डायरेक्ट व्यापार होता है, तो वहां पे बहुत हद तक आप जो सैंक्शन है उसका इफेक्टिवनेस आप कम कर देते हैं। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से शी रूट से आता है, तो आपको कार्गोस वगैरह हायर करने होते हैं। और जहां तक बात किया जाए कार्गो के बारे में, तो सभी के सभी जो कार्गोस होते हैं उनको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो यहां पे जो टेक्निकलिटीज होता है वो ये होता है कि अगर किसी भी तरीके से आपके कंटेनर में या आपके कार्गो में रशियन प्रोडक्ट है या रशियन ऑयल है, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेचने से मना करती है। तो ये बहुत सारे टेक्निकलिटीज का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इन सभी चीजों को पीछे करते हुए रशिया और चाइना मैसिव तरीके से ऑयल और नेचुरल गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करें, तो वेस्टर्न कंट्रीज और खास करके यूएस को ये लगता है कि वो बस अपनी मनमानी को करता रहेगा और पूरे दुनिया खामोश बैठा रहेगा। नॉर्मल एक साइकिल होता है जहां पे आपके देश का जो हेजेमनी होता है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो रिसेंट टाइम्स में कम से कम 10 सालों में ऐसा देखा गया
कि जिस तरीके से जो बाइडेन इन इफेक्टिव रहे उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप अननेसेसरी तरीके से देशों के साथ वो रिलेशंस को खराब करते रहे, तो कहीं ना कहीं वो सारे एक अपॉर्चुनिटी को जन्म देता है जहां पे देशों को लगता है कि अगर वो किसी भी तरीके से ग्रुपिज्म क्रिएट नहीं करेंगे तो उनका सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाएगा। रिसेंट टाइम्स में जिस तरीके से यूक्रेन को वेपन दिया गया और यूक्रेन को रशिया के सामने जाके खड़ा कर दिया गया, ये सारे जो एक्टिविटीज है या ये सारे जो प्लान है ये ऑलमोस्ट सभी दुनिया को समझ में आ गया। इसी बीच इसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए चाइना के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो बहुत हद तक रशिया को इन टर्म्स ऑफ वेपन सपोर्ट किया है। कितनी बार क्या होता है कि आप वेपन को उसके फुल कंडीशन या फुल असेंबल्ड फॉर्म में आप ना भेज के उसके पार्ट्स वगैरह को भेजते हैं, तो जब आप उसके पार्ट्स वगैरह को भेजते हैं तो वहां पे बहुत बार आपको एक लिवरेज मिल जाता है जहां पे आप ये कह सकते हैं कि ये एक डुअल पर्पस आइटम है जिसका इस्तेमाल सिविलियन पर्पस में भी होता है। तो ये सारे कुछ तौर तरीके होते हैं जहां पे आप सामने वाले देश को मदद भी कर दें और किसी भी तरीके से आपके ऊपर ये एलिगेशन ना आए कि आपने सामने वाले को मदद किया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो चाइना बीते कुछ सालों में यूएस के बहुत सारे कंपनीज को भी सैंक्शन या ब्लैकलिस्ट किया है, ऐसा ही कुछ किया गया है यूएस के द्वारा भी। तो इन अ वे अगर हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहें तो क्योंकि चाइना आज के डेट में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह निकल के आया है, तो इसके वजह से चाइना के पास बहुत कुछ होता है ऑफर करने के लिए और यहाँ पे इंडिया कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हमारे आगे पीछे होते हैं हमें बहुत ही गौर से इनको देखना चाहिए और समझना चाहिए। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।